नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए पदों पर भर्ती के परिणाम जारी करने की बात कही है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पटवारियों के वित्त सचिव के साथ हुई पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता मिलन समारोह के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम के हरिनगर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही 60,000 के लगभग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद भरे जाएंगे। पहले होगी ग्रुप सी के पदों पर भर्ती, उसके बाद से ग्रुप डी के परिणामों को जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि स्वच्छ शासन, प्रशासन, पारदर्शिता और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, हमारा कोई इरादा नहीं है और राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं। निश्चित रूप से स्वच्छ शासन, प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही है, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले, ये हमारा पेंडिंग वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की दो परीक्षाएं होनी है, एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूंकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो, नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद भी क्या निकले। हरियाणा कांग्रेस भी काफी सबको रहना चाहिए। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है, राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं। ये जिन्होंने करना है उनसे पूछो। धन्यवाद। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पटवारी यूनियन की हुई है बैठक। वित्त सचिव के साथ हुई मांगों पर हुई चर्चा, पहले दौर की बैठक बेनतीजा रही है। बैठक में नहीं बनी कोई सहमति, वहीं 31 जनवरी तक जारी रहेगी हड़ताल। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर जो पहले दौर की बैठक थी पटवारियों के साथ वो पूरी तरीके से बेनतीजा बताई जा रही है। बैठक में कोई भी किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, वहीं 31 तक जारी रहेगी ये हड़ताल। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त थी पटवारी यूनियन की, जो बैठक हुई थी उस बैठक में वित्त सचिव के साथ कई मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन पहले दौर की जो बैठक बताई जा रही है वो पूरी तरीके से बेनतीजा बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी और बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर पटवारी यूनियन की बैठक हुई थी वित्त सचिव के साथ, लेकिन बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर चर्चा होने के बावजूद भी किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है और 31 तारीख तक अभी फिलहाल यह हड़ताल जारी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओपी, जिस तरीके से ये हड़ताल चल रही है और आज थोड़ा सा उम्मीद थी कि हो सकता है बैठक में कुछ निकल करके सामने आएगा, लेकिन बेनतीजा ये बैठक बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, ये बैठक करीबन आज 11 बजे जो है हरियाणा के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनके साथ जो हुई थी, शेखर विद्यार्थी उनके साथ हुई, फिर करीबन 1.25 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली और बैठक में जो हरियाणा पटवारी यूनियन और कानून जो यूनियन है उनकी मांगों को लेकर कोई सहमति जो है वो नहीं बन सकी। दरअसल पटवारी मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनवरी के अंदर
जनवरी 2023 के अंदर जो है पटवारियों का जो वेतनमान था वो 25,500 रुपए से बढ़ाकर जो है 32,100 रुपए कर दिया था। हालांकि इस जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, इस नोटिफिकेशन के चलते जो साल 2016 में जो पटवारी लगे थे वो कहीं ना कहीं जो है सरकार की इस नोटिफिकेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और उन पटवारियों का जो वेतन है वो आज भी करीबन 30,100 रुपए के आसपास है। तो जो पटवारी यूनियन है और कानून का यूनियन है वो इसे साल 2016 से मतलब रेट्रोस्पेक्टिव से लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज बैठक हुई लेकिन बैठक में कोई जो है वो समझौता नहीं निकला। एक बार बात सामने ये भी आई कि दोपहर बाद जो पटवारी और कानून का यूनियन है उसकी मुलाकात जो हरियाणा के फाइनेंशियल एफसीआर फाइनेंशियल कमिश्नर है उनके साथ उनकी बातचीत होगी लेकिन वो बातचीत भी नहीं हुई है। हालांकि अब बातचीत नहीं होने के चलते कोई समाधान नहीं होने के कारण जो हरियाणा पटवारी और कानून जो एसोसिएशन है उसने 31 तारीख तक अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है और हड़ताल और 31 तारीख के बाद वो बैठक करके अगला कोई फैसला ले गया। हरियाणा में पिछले करीबन डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पटवारी हड़ताल में है जिसके चलते आम आदमी से जुड़े हुए काफी कामों के ऊपर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं जो पटवारी या कानून के तहत बनते हैं उनके ऊपर एक तरह से रोक लगी हुई। वहीं सरकार के करीबन रेवेन्यू का भी इससे जो है वो नुकसान हो रहा है और करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए का जो है सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो चुका है। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब सरकार पटवारी और कानून के यूनियन को बातचीत के लिए कब बुलाती है। जी बिल्कुल ओपी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आम जनता को जो परेशानियां हो रही है और बात की जाए उनकी मांगों की तो और कौन कौन सी मांगे इसमें शामिल है, सरकार का इस पर क्या कहना है या फिर प्रशासन का क्या कहना है? उनको और देखिए अगर इस पूरे मसले पर बात करें तो सरकार की तरफ से जो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। करीबन डेढ़ महीने के बाद जो है सरकार ने बातचीत करने के लिए पटवारी और कानूनगों को बुलाया था, बैठक हुई डेढ़ घंटे के आसपास चली लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मसले पर नहीं आई है। जहां तक लोगों की परेशानी है तो वो परेशानियां हैं, जब तक पटवारी अपनी हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तब तक जो है किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल या बाकी जितने भी प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का वेरिफिकेशन जो ग्राम पंचायत या पटवारी या कानून के जरिए होना होता है वो सभी एक तरह से रुके हुए हैं और उम्मीद है अगर हड़ताल खत्म होती है तो उसके बाद ही जो है वो किसी तरीके लोगों को राहत मिल पाएगी वरना पिछले 45 दिन से लोग जो है पटवारी हड़ताल के चलते सफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इतना लंबा समय हो गया ओपी, और बात करें आगे की तो क्या कुछ इन प्रदर्शनकारियों का कहना है अगर 31 तारीख तक भी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, प्रशासन की तरफ से इनकी मांगों के अनुसार काम नहीं किया जाता, ये क्या ये हड़ताल जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी? देखिए फिलहाल आज जो यूनियन थे उन्होंने कहा है कि 31 तारीख तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। 31 के बाद उम्मीद करते हैं कि शायद 1 फरवरी को वो कोई बैठक करके क्या ऐलान करते हैं, क्या बाकी कर्मचारी संगठन है उनको भी हड़ताल में शामिल करते हैं या फिर अपनी जो उनकी एक जो लड़ाई है जो वो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए हुए हैं उसको जारी रखेंगे। ये कुछ देखने वाली बातें हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दौरान सरकार की तरफ से जो दोबारा उनको बातचीत का जो है न्योता दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद डीलर बनाकर फरीदाबाद प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं और इसी के साथ ही कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी साथ दे रहे हैं। वहीं करण सिंह दलाल ने कहा है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाएगी। बिल्कुल पार्टी के आदेश हुए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। आज मैंने जो बूथ बूथ से लोगों को जो बुलाने का काम किया और लोग बगैर अपनी अपनी सवारी लेके जो आए तो ये बहुत मतलब जो इनका मेरे साथ प्यार है, एनआईटी के प्रति इनका दर्द है, जो एनआईटी में जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, न पानी है न सीवर व्यवस्था है न रास्ते की कोई व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ डंपिंग यार्ड हमारी एनआईटी में बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा वोट हम दें हमारी एनआईटी दे और इनको यही एक सतान डंपिंग यार्ड के लिए मिला था। तो किसी भी कीमत पर
अगर पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी हुड्डा साहब ने आशीर्वाद दिया, माननीय चौधरी दीपेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ूंगा। आपके विधायक हैं कांग्रेस के एनआईटी से, क्या उन पर भी अपने एनआईटी क्षेत्र की विधानसभा की जो बदहाली है वो ना सुधार? वो देखो, विधायक जी का काम विधायक जी जाने, मैं लोगों ने बुलाया हूँ। आज लोगों को मन, मतलब जो उनकी आत्मा जो यहाँ बोल रही है, मैं उस पर काम करूंगा और रात दिन अपने लोगों में रहूंगा। आज शुरुआत है, आगे आगे देखिए, मैं लोगों के बीच में। उम्मीद, ये जो आज एनआईटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाई जगन डागर और उनके साथियों ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, तो ये शुरुआत है कांग्रेस पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की, और जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके लिए, लोगों को तैयार करने के लिए जो ये मुहिम है, ये हमारी चली हुई है। और इसके साथ ही हमारी मुहिम है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो उभरते हुए नौजवान हैं, जिनको लोगों में, जिनके मन में लोगों के लिए दर्द है, जो लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों को भी हम पार्टी के स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके को अगर अच्छा नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित तौर पर एनआईटी जैसा विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जहां इतनी गंदगी है, जहां इतने बदहाली में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं, जहां गंदगी के ढेर बने हुए हैं, जहां गंदगी के कॉरपोरेशन का जो कूड़ा करकट डालने का स्थान भी एनआईटी में बनाया जा रहा है, तो इस तरह की लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ने के लिए जांबाज लोगों की जरूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल संवाददाता हमारी फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, जिस तरीके से अब एक तरफ चुनाव नजदीक है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासत जरूर कर रही हैं, ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि फरीदाबाद में प्लॉट काटने का काम किया जा रहा है, प्लॉट काटने का, तो इसमें कितनी सच्चाई है जरा बताइए। 2024 जैसे ही लगा है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है, क्योंकि 2024 में ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर के तमाम नेता जो है, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लगातार अपने अपने प्रचारों में लगी हुई है। वहीं अब बीजेपी लगातार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं जो आयोजन है वो कर रही है, तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी लगातार अब जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो उसमें जो है लगातार जाकर के जनता से जुड़ाव से लेकर के कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन किस तरीके से जो इस प्रोग्राम में, कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जैसे ही पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जोर के नारेबाजी लगने लगी, और कहीं ना कहीं जो है मंच के साथ संबोधित करते हुए जो है कांग्रेस के जो नेता है करण सिंह दलाल, उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बीजेपी के सांसद या मंत्री हैं वो लगातार जो है प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधा बीजेपी पर मंत्री और केंद्रीय मंत्री पर, दोनों पर जो है आरोप लगाते हुए साफ तौर से कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ कांग्रेस के नेता है वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर के इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरीदाबाद का विकास होना चाहिए वो विकास पर ध्यान नहीं है, बल्कि अवैध प्लॉटिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस तरीके के यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनआईटी का जो बदहाल जो स्थिति पड़ी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरक जो एनआईटी विधानसभा है वो पूरी तरीके से नरक में तो तब्दील हुई पड़ी है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री और जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है, उन्होंने यहाँ पर सीधा आरोप लगाया, क्योंकि एनआईटी विधानसभा से भी कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा है, उन्होंने जो है सीधा सीधा कांग्रेस के विधायक पर, यानी कि अपनी पार्टी के विधायक पर भी सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जो काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता को एनआईटी विधानसभा में विकास कराने चाहिए थे वो विकास नहीं करवा पाए, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तरफ जो है करण सिंह दलाल अपनी एमपी की जो है इलेक्शन की तैयारी कर रहे, तो वहीं जिस तरीके से जगन डागर पहुंचे और जनता को जो जनसमूह है वो इकट्ठा करा, तो कहीं ना कहीं जगन डागर ने भी ये कहा कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, और उसके साथ अगर वो टिकट नहीं दी और जनता ने अगर हाँ करी तो वो तब भी चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस में दो गुट साफ तौर से देखे जा रहे हैं, एक तरफ जो है एसआर के जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं संदेश यात्रा को लेकर के पूरे हरियाणा में जो है वो यात्रा चल रही है, तो कहीं दूसरी तरफ जो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है वो लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर जोरों में
पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से हम देख सकते हैं साफ तौर पर मीडिया में भी ये चर्चे हैं और लगातार जो है सरकार की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। लेकिन अभी जो फरीदाबाद से ये जो मामला सामने आया है प्लॉट कट करने को लेकर के, ये भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दर्शाता है कि गुट में भी अभी नए नए गुट बनते जा रहे हैं कांग्रेस में। जी बिल्कुल, गुट जो है अलग अलग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं फरीदाबाद में, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आने वाली जो है 4 तारीख को जो है यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता है यानी कि एसआर के ग्रुप, क्योंकि फरीदाबाद में जो है एसआर के ग्रुप जो जो संदेश यात्रा जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद में पहुंचेगी और यहाँ पर भी तमाम जो नेता कांग्रेस के हैं यानी कि जो एसआर के ग्रुप का जो गुट है वो लगातार यहाँ पर स्वागत करने में जो है पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से यहाँ पर तैयार करने में लगा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ जो देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो लगातार यहाँ पर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करके जन समूह को 2024 के विधानसभा के चुनाव से जोड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जिस तरीके से आरोप लगाया, क्योंकि सीधे साफ तौर पर आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री चरण सिंह दलाल ने कहा कि जो बीजेपी के नेता है या केंद्रीय मंत्री है उनको जो है फरीदाबाद में विकास कराना चाहिए, विकास नहीं कराया बल्कि वो जो है जमीनों को खरीद करके अवैध प्लॉटिंग करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि जो अवैध प्लॉटिंग ना होने दिया जाएगा और कहीं ना कहीं डीलरों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है वो सीधे साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जो है बीजेपी के नेता ही जो है प्लॉटों को काट रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फरीदाबाद इन अवैध कॉलोनियों को बसने से कहीं स्मार्ट सिटी न बनके बल्कि नरक जो है फरीदाबाद बनने वाला है, इस तरीके का आरोप यहाँ पर जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, और क्योंकि चुनाव नजदीक है ऐसे में ये बयानबाजियां भी सामने आती रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और साइबर सिटी गुरुग्राम के हरिनगर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक के भाई की अगर माने तो उसके भाई को दोस्त ने फोन करके बात करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद से जब उसका भाई वहां पहुंचा तो किसी बात को लेकर के वहां आए युवकों से उसका झगड़ा हो गया। और बता दें कि देखते ही देखते पत्थर इसमें चलने लगे। जब आकाश कहीं नजर नहीं आया तो उसके भाई ने जो है वहां पर मौके पर पहुंचा, उसके भाई का नाम सूरज बताया जा रहा है, जहां आकाश घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। आकाश को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस को सूचित किया गया है, मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सूरज क्या हुआ सर? शाम तक हम 5:30 हम क्रिकेट खेल के आए थे, फिर 6 बजे के समथिंग प्रथम का फोन आया आकाश के पास कि आकाश भाई आ जाओ कृष्णा से बात बात करनी है, ठीक है। तो हम ये गया आज, तो ये गया 6 बजे। उसके बाद मुझे पापा ने वो रोक लिया था उस टाइम पीएफ वगैरह करने के लिए, तो मैं 5-6 मिनट बाद पीछे से गया। तो जब मैं लेट पहुंचा तो वहां देखा तो ईंटे वीटे जो होती है ना वो बरसा रहे थे सबके ऊपर, तो सब भाग के एक साइड हो गए। मैं जब वहां गया मैंने देखा मेरा भाई नहीं है, फिर मैं दोबारा जब गया तो देख रहा हूँ स्टेज पर खड़ा हूँ। कहाँ पे हुआ था ये? अंडर पर जो है अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन ब दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसके बाद से लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है, उसके भाई ने बताया है कि उसके भाई को फोन करके पहले बाहर बुलाया गया, कुछ लोगों ने बात करने की बात कही लेकिन किसी बात को लेकर के उन लोगों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद से उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जब बहुत देर तक वो घर पर नहीं आया तो छानबीन की गई, जब पता चला कि घायल अवस्था में जो उसका भाई है वो पड़ा हुआ है, जिसके बाद से हरिनगर का ये मामला बताया जा रहा है, उसे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से अब जो है लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान फिर युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उसके कुछ पहचान वालों ने उसे बाहर बुलाया था बात करने के लिए लेकिन बात ही बात में झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद से युवक को घायल कर दिया गया।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार संवाददाता हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से मामला सामने आया है, क्या कुछ अभी तक का अपडेट इसमें निकल करके सामने आ रहा है, क्या वजह है युवक की हत्या की? की घटना है, हाईवे के पास की घटना है, जहां आपको बता दें कि कुछ युवक वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरह जो मृतक है आकाश के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसको पहले फोन किया गया, उसके बाद उसको वहां पर बुलाया गया सर्वे के पास, उसके बाद आप सीसीटीवी में भी देख सकते हैं किस तरह से कुछ युवक तेजधार हथियार से आकाश पर हमला कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे निंदनीय बात यह है कि वहां पर जो भीड़ उस वक्त मौजूद थी वह तमाशबीन बनकर खड़ी रही काफी देर तक। जो आकाश है वो तड़पता रहा क्योंकि उसके पेट में चाकू से वार किया गया था। और आपको बता दें कि उसको लेकर आनंद फानंद में जैसे ही उसके परिजनों को पता चला वहां पर पहुंचे और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ऐसे में लगातार जो पुलिस है आरोपियों के घर दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं और प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है। सेक्टर 37 थाने का यह इलाका पड़ता है और फिलहाल पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। जी जी बिल्कुल। और क्या जो लगातार पुलिस आप बता रहे हैं कि जांच कर रही है, ऐसे में कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि किसी से कोई दुश्मनी हो या फिर किसी तरीके का कोई विवाद पहले हुआ हो, कुछ रंजिश वगैरह कोई मामला सामने आया है अभी तक ऐसा? आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है कि जो मृतक आकाश था, आपको बता दें कि किसी युवती को लेकर जो आरोपी पक्ष है उससे झगड़ा लगातार कई बार पहले भी हुआ है और इसी को लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये प्रेम प्रसंग का जो मामला है ये बताया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस है उसको शिकायत दे दी गई है और उसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग की बातें अभी तक सामने आ रही है, क्या लड़की वाले पक्ष से कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई हो जिससे इस बात की पुष्टि हो रही हो? देखिए, सूत्रों की बात करें तो लगातार यही तरह से जो एंगल है वो सामने आ रहा है और फिलहाल पुलिस जांच के बाद ये साफ कर पाएगी कि आखिर माजरा क्या था। लेकिन अगर आपको तो बात करें सूत्रों की तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी ज्योति। और जो लड़का है जो मृतक है उसके परिवारजन क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से न्याय की गुहार लगा रहे हैं? परिजनों का यही आरोप है कि उसके भाई आकाश को वहां पर फोन करके बुलाया और उसके बाद कुछ युवकों ने तेज़धार हथियार से उस पर हमला किया और हमले के बाद वो बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल के बाद उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमाम जो वहां पर लोग मौजूद थे वो काफी देर तक तड़पता रहा और तमाशबीन बनकर लोग देखते रहे। अगर सही समय पर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं निंदनीय है कि किस तरह से आकाश लगातार वहां पर तड़प रहा था लेकिन उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि समाज में लोग तड़पता हुआ छोड़ देते हैं लेकिन मदद के लिए आने वाले लोग कम ही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपराधियों के हौसले जो है वो इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दोपहर में कभी भी फोन करके बुलाते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको घटना को दिखा रहे हैं जहां पर एक साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़ाई हो रही है और इसके बाद से जो है जो युवक था पीड़ित यानी कि जिसकी अब मौत हो चुकी है आकाश नाम का, उसकी तेजधार हथियार से हत्या कर देते हैं। तो खास खबरें देख रहे थे आप, खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।